परिवहन कर्मचारी महासंघ ईटंग की मंडी इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन कर्मचारी महासंघ ईटंग के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि लंबित ओवरटाइम की मांग को दो किश्तों में देने की घोषणा की है। उन्होंने मेडिकल के पुराने एरियर देने और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री महोदय के को साथ लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारी निगम के कर्मचारियों की मांगों के ऊपर चर्चा की गई। प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए जो है वो पुरानी पेंशन योजना लागू की है। साथ ही साथ हमारी बैठक हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का ये परिवहन कर्मचारियों को जो संदेश उन्होंने दिया था कि किस प्रकार से हम परिवहन HRTC का भला करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना, तो वो संदेश भी हमने उन कर्मचारियों तक पहुंचाया। और साथ ही साथ जो हमारे लंबित ओवरटाइम का जो मसला था उसमें भी उन्होंने जो है वो दो किस्तों में जो है वो 5.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। साथ ही जो हमारे लोगों का जो मेडिकल का जो पुराना एरियर है 5 करोड़ के आसपास, उसको भी उन्होंने देने की घोषणा की है, तो वो भी कर्मचारियों को अवगत कराया। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हर कर्मचारी जो है मिलजुल कर जो है कार्य करे। बैठक में मंडी इकाई के चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें परिचालक भाग सिंह को अध्यक्ष चुना गया।